वहीं राजधानी देहरादून में बाबा श्री विश्वनाथ जगदीशिला डोली रथ यात्रा 16 मई से 16 जून तक उत्तराखंड का भ्रमण करेगी। बता दें कि डोली रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के पौराणिक मंदिरों को पर्यटन दृष्टि से उजागर करके रोजगार और विकास की धारा से जोड़ना है। दरअसल 25 वर्ष पूर्व से चली आ रही यात्रा को इस बार समिति और भक्तजन रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। इसके तहत ही 11 सूत्री कार्यक्रम प्रदेश भर में 25 अप्रैल 2025 तक उत्तराखंड के 13 जनपदों में चलाए जाएंगे, जो कि उत्तराखंड को तीर्थटन प्रदेश, जड़ी बूटी उत्पादन और स्वावलंबी प्रदेश की ओर अग्रसर करेंगे। साथ ही यह कार्यक्रम जनता में भू कानून, नशे के खिलाफ जागरूकता, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, खेती के नए स्रोत और नई जड़ी बूटियों की खोज समेत कई जन कल्याण विकास पर निर्धारित होंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हम विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा को मना रहे हैं, जिसमें हमारा पूरे साल भर 11 सूत्र कार्यक्रम चलेगा, जो विभिन्न महीनों में अलग अलग रक्तदान शिविर से लेकर के खेतों के जड़ी बूटी चिन्हीकरण से लेकर के नशा मुक्ति के से लेकर के जल संरक्षण से लेकर के वृक्षारोपण से लेकर के और जो भूमि इस समय खरीद फरोख्त हो रही है पूरे प्रदेश की, इसको बचाने के लिए ये पूरा इस वर्ष जो है हम इस यात्रा को चलाएंगे। इस रजत जयंती वर्ष में हम इस कार्यक्रम को करेंगे। ये जो अब तक 24 साल की यात्रा हुई है, 25वां साल चल रहा है, तो इसमें हमारा राज्य तीर्थाटन प्रदेश बने, जिसके लिए हजार धाम चिन्हीकरण का जो मामला रखा है उसमें से 325 स्थान जो हैं चिन्हित किए गए हैं, तो ये तीर्थाटन की सूची में आए। जो सरकार तीर्थाटन सर्किट बना रही है, उस तीर्थाटन सर्किट में इन धामों को भी जोड़ा जाए, इन नामों को भी जोड़ा जाए, ताकि उत्तराखंड का जो हमारा पिछले 24 साल का जो ये मेहनत है लोगों की, 13 जनपदों की, वो तीर्थाटन प्रदेश के रूप में आगे बढ़े, ये हमारा संकल्प है।